नंबर वन एक्सपांडिंग स्टेज, पहला कौन सा है एक्सपांडिंग स्टेज। तुम्हारे बुक में ना इंडिविजुअल लेवल पे ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, सो मैं क्या करूंगा तुमको एक्सपांडिंग स्टेज ग्राफ के साथ बताऊंगा तो तुमको समझ में आएगा। अभी मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। ये एक देश है, देखो नाइजर, नाइगर करके एक देश है, तुमने सुना नहीं, मैंने भी बहुत कम सुना, नाइजीरिया सुना है बट नाइगर भी एक देश है। ये जो पहला स्टेज है इसको एक्सपांडिंग पिरामिड बोलते हैं। तुम नोट करो कितना जबरदस्त स्टेबिलिटी कहीं नहीं है, कितने ज्यादा बच्चे और क्या जबरदस्त ग्रोथ रेट। देखो ग्रोथ मतलब यहां से यहां ग्रोथ है, यहां से यहां बहुत फास्ट गिर रहा है। साफ पता चलता है कि वेरी हाई बर्थ रेट, वेरी हाई डेथ रेट, क्योंकि बहुत फास्ट गिर रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, साफ पता चलता है। मिड एज में ये देखो, ये मिड एज में काफी लोग है इधर, बूढ़े लोग ज्यादा जी नहीं पाते, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। साफ पता चलता है कि ये देश इकोनॉमिकली डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है। नाइजर करके देश है जहां पे नैरो हो रहा है बट बहुत बोलते ना फास्ट नैरो हो रहा है, एज कंपेयर टू स्टेडिली नैरो नहीं है, बहुत फास्ट नैरो हो रहा है। सो ये तुम्हारा एग्जाम्पल था एक्सपेंसिव पिरामिड का, ठीक है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, हाई बर्थ रेट और रैपिड फॉल, जबरदस्त फॉल होते जा रहा है, हर अपवर्ड एज में रैपिड फॉल हो रहा है। साफ पता चलता है रैपिड फॉल क्यों, डेथ रेट ज्यादा है, और साफ इससे पता चलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपांडिंग था, और जैसे 15 to 65 में काफी तुमको क्राउड मिलेगा, लेकिन 15 to 65 से ज्यादा बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है, बूढ़े लोग कम है बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मेडिकल केयर स्ट्रांग नहीं होगा ऐसे देश में। अभी हम सेकेंड फेज में आते हैं। अब मैं देखो माउस यूज करने वाला हूँ, ये सेकेंड माउस यहां तक बड़ा लिखा, सेकेंड नंबर को एक्सपांसिव पिरामिड बोलते हैं, और माउस एक्सपांसिव, माउस में लिखने का मजा ही कुछ और है, अपने को भी समझ में नहीं आता क्या लिख रहा है, लेकिन कुछ भी एक्सपांसिव समझने की कोशिश करो। तुम नहीं समझ सकते तो तुम्हारी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, या मेरा ड्रॉइंग है। एक्सपांसिव पिरामिड, तुमको पता है लियोनार्डो दा विंची था, उन्होंने आखिरी ये ड्रॉइंग देखा था, उसके बाद उन्होंने बोला था मैं रिटायर, उन्होंने उसके बाद कभी ड्रॉइंग नहीं किया। मोनालिसा ड्रॉ किया, उसके बाद ये देखा मेरा ड्रॉइंग, उन्होंने बोला बस रिटायर्ड है। एक्सपांसिव पिरामिड, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद ग्राफ। अभी एक्सपांसिव पिरामिड में तुमको मुझे देश का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम्पल दो, वेनेजुएला करूं, वेनेजुएला इसमें आता है, ये रहा वेनेजुएला तुम्हारा, देखो कितना बढ़िया है, स्टेडिली कम होते जा रहा है, स्टेडिली साफ पता चलता है नीचे बहुत सारे बच्चे हैं, बर्थ रेट बहुत ज्यादा दिख रहा है, डेथ रेट गिर रहा है क्योंकि बहुत स्टेडिली कम हो रहा है, ऊपर बहुत ज्यादा है मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है। हेटी करके कंट्री है, वेनेजुएला करके कंट्री है जो इसमें आता है। तुम बोलोगे इंडिया, इंडिया सेकेंड और इसके बाद वाला आने वाला थर्ड के बीच में है, ठीक है ना। सो इसको याद रखने के लिए सिंपल लॉजिक तुमको क्या करना है, हाई बर्थ रेट, फॉलिंग डेथ रेट, मिडिल एज में बहुत सारे लोग, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब मेडिकल केयर अच्छा, ठीक है। लेकिन वेनेजुएला की फाइनेंशियल हालत फिलहाल बहुत डाउन है, 3 साल से अच्छा चल रहा था बट गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट वेनेजुएला ने मनी को वैल्यू कम कर दिया, 1 लाख रुपए जो था उसका वैल्यू 1000 या 100 रुपए कर दिया, मतलब तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, सोचो सडनली गवर्नमेंट ने कायदा बदला और बोला ये 1 लाख रुपया अभी 100 रुपया ही कहलाएगा। तुम हेयर कटिंग करने जाओगे वहां पे तो तुम उसको पैसा दोगे ना, बोलेगा पैसा नहीं अंडे दो, वहां पे ऐसी हालत हो गई है वेनेजुएला, गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। वेनेजुएला कब बर्बाद हुआ,
जब उन्होंने आईएमएफ का जो उन लोगों ने कर्जा लिया था, जब हफ्ता नहीं भरा था ना, उसके बाद वेनेजुएला का इंटरनेशनल नाम, और तुम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का डिफॉल्ट करते हो तो इंटरनेशनल यूज कर देता है। इसके बाद तुम किसी से भी खरीदोगे ना, वो देश बोलेगा एडवांस दो क्योंकि तुम डुबाओगे। उसके बाद से वेनेजुएला की हालत खराब हो गई। तो दिख रहा है कि कंट्री इंप्रूव हो रही है, लेकिन फिलहाल वेनेजुएला डाउन स्टेज में। अभी हम आते हैं इसमें थर्ड स्टेज में। चलो मेरा ड्राइंग वापस शुरू हो रहा है। ये थर्ड ड्राइंग देखो, क्या मस्त 3 नंबर दिखा मैंने। थर्ड वाला स्टेज कौन सा है? स्टेशनरी, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग, मैं आज माउस से लिखूंगा कुछ भी करो तुम। अब याद रखो ई नहीं लिखने का, ई मतलब तुम्हारा क्या होता है पता है? ई मतलब तुम्हारा पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, उसको बोलते हैं। ये ए आएगा बेटा, ए ए आर वाई। अब पिरामिड देखो, तुम्हारा स्टाइल यूजलेस लो, पिरामिड है ये, पिरामिड है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम, शेयर स्क्रीन करते हैं। चलो कौन सा देश ले वे? थर्ड नंबर पे कौन है? चाइना का देखना पसंद करोगे? चलो चाइना का देखते हैं। चाइना कहाँ गया? वन चाइल्ड पॉलिसी वाला चाइना, हाँ ये रहा चाइना आ गया। मंदिर की तरह है। ये तुम्हारा थर्ड स्टेज है, फर्टिलिटी, बिकॉज उनका वन चाइल्ड पॉलिसी काफी टाइम में था। तुम देखो स्थिरता है, 60 से 70 में भी काफी पॉपुलेशन है। यूरोपियन देश ऐसे हैं, स्कैंडिनेवियन देश ऐसे हैं। एक बात है कि बर्थ रेट कम होते जा रहा है क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी था, और डेथ रेट भी लो है, मेडिकल केयर इंप्रूव हुआ है, और बूढ़े लोग भी ज्यादा है, इसका मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। ये स्टेशनरी इकोनॉमी है। 2019 में 143 करोड़ 2019 का उनका पॉपुलेशन था। इंडिया लगता है 10 साल में चाइना को भी पीछे कर देगा। हालांकि अभी चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दिया है, अभी जितने बच्चे पैदा हुए उतना चलेगा। तो ये चाइना का था। ये जो स्टेशनरी पिरामिड में तुम लाइन देखो, सब लगभग सेम ही है। मतलब ये जो बॉक्सेस है, ज्यादा फर्क नहीं है। देखो ये स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा फर्क, फिर स्ट्रेट लाइन, थोड़ा फर्क, स्ट्रेट लाइन, मतलब लगभग सब जगह स्थिरता है। चाइना इसमें आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, यूनाइटेड स्टेट्स आता है इसमें। इंडिया इस तरफ पहुंच रहा है, बट इंडिया एक्सपांसिव में भी है काफी। बर्थ रेट ज्यादा, लो डेथ रेट, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है। इंडिया सेकेंड और थर्ड स्टेज के बीच में है, इंडिया पहुंच रहा है इधर। इधर पहुंचने के बाद स्थिरता काफी आ जाता है, करेक्ट? तो ये तुम्हारा एक कौन सा था? स्टेशनरी मतलब स्थिर। फिर हम आखिरी में आते हैं, वापस से मेरा ड्राइंग शुरू होता है। नंबर चार को कॉन्स्ट्रिक्टिव माउस से लिख रहा हूँ। कॉन्स्ट्रिक्टिव मतलब घटना, वो आर है, ये सी है, ये टी है, ये वी आई है, वी है, कॉन्स्ट्रिक्टिव, और ये पिरामिड है। देखो दिखा पिरामिड, इसके दो मूछे लगा दिए मैंने, कॉन्स्ट्रिक्टिव पिरामिड। कॉन्स्ट्रिक्टिव मतलब घटना। चलो अब देखते हैं कौन सा देश तुम देखना चाहोगे कॉन्स्ट्रिक्टिव में। कॉन्स्ट्रक्टिव में किसका है? ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नहीं, रशिया। भाई ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें रशिया में आते हैं ना, रशिया काफी। कहाँ गया रशिया भाई जान? हाँ रशिया, व्लादिमीर पुतिन। कहाँ गया पुतिन भाई? अरे हाँ रशिया, वही मैं सोच रहा था, रशियन फेडरेशन आ गए, पुतिन भाई आ गए। सो ये रशिया, रशिया साफ दिख रहा है, बूढ़े पॉपुलेशन काफी है, यंगर पॉपुलेशन काफी कम है, डेवलप्ड कंट्री साफ पता चलता है, एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा, बर्थ कंट्रोल मेथड्स काफी ज्यादा, इंसेंटिव देते हैं वो लोग, हेल्थ केयर काफी अच्छा है, और थोड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर्स नेगेटिव हो जाते हैं। साफ दिख रहा है लो बर्थ रेट,
डेथ रेट भी लो है, डिपेंडेंसी रेशियो भी बहुत ज्यादा है। देखो बच्चे ज्यादा है, बूढ़े भी लोग ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, लेकिन फिर डिपेंडेंसी किसको बोलेंगे, 0 to 14, ये देखो ये जो जोन है डिपेंडेंसी जोन है, ठीक है, और 65 के आगे ये भी डिपेंडेंसी जोन है, मतलब वर्किंग इतने पॉपुलेशन है। सो स्टेज 4 में कॉन्ट्रैक्टिव है, थोड़ा कॉन्वेक्स साइड में दिखता है, बर्थ रेट काफी लो है, डेथ रेट लो है, एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, डिपेंडेंसी रेशियो भी बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया रशिया का एग्जाम्पल है। तुम क्या करोगे, बेस्ट लेवल इसको स्टडी करना है ना, मैं तुमको लिख के देता हूँ ये क्वेश्चन स्टडी करने के लिए, बेस्ट आइडिया बताता हूँ। मैंने तो ग्राफ के साथ बताया, तुम पेज नंबर 3.14, तुम्हारे जो बुक है बिजनेस डेमोग्राफी का, गौरी गिरीश यादव ने जो लिखा है, उसका पेज नंबर 3.14 में वहां पे कंसेप्ट ऑफ वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन दिया है, उसमें पॉइंट्स वाइज दिया है, बहुत सिंपल हो जाता है इससे, तो तुम ये यूज कर लेना। कंट्री के साथ भी एग्जांपल दिया है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।